हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला सवाल है, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, ये बात कब लागू की गई थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले इसे 16 आने में बांटा जाता था। हमारा दूसरा सवाल है, 16वीं लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, 16वीं लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545 है। हमारा तीसरा सवाल है, 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या 66 है। हमारा चौथा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल कितनी डिग्रियां थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्री थी। वह विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। हमारा पांचवा सवाल है, 16वीं लोकसभा में पुरुष सांसदों की संख्या कितनी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सोलहवीं लोकसभा में पुरुष सांसदों की संख्या 479 है। हमारा छठा सवाल है, पृथ्वी यानी जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? अपना आंसर कमेंट। पृथ्वी पर यानी जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। हमारा सातवां सवाल है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? सही जवाब है, जस्टिस रंजन गोगोई के पिता असम के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर रहे थे। हमारा आठवां सवाल है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अरविंद सक्सेना इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमारा नौवां सवाल है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। हमारा दसवां और आखिरी सवाल है, लंबे और मजबूत बालों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है? विटामिन ए, विटामिन बी। सही जवाब है, लंबे और मजबूत बालों के लिए सबसे अच्छा विटामिन बी होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, गुड डे।